आप सबको याद होगा जब मैंने इरेन यागर की वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने बताया था कि कभी कभी रिवेंज लेना जरूरी होता है जिससे दूसरे वाले को समझ आए कि वो गलत कर रहा है। आई मीन मैंने उस वीडियो में ये बताना चाहता था कि जैसे समझ लो कोई गलत कर रहा है, अगर उसको तुम सबक नहीं सिखाओगे, उसको सजा नहीं दोगे, उसके ऊपर उल्टा अटैक नहीं करोगे, तब तक वो समझेगा नहीं कि वो गलत कर रहा है। आई मीन उसको समझाना पड़ेगा कि भाई मतलब उसको पहला चांस दो कि उसको समझाओ कि तुम गलत करो, अगर नहीं समझे तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, थोड़ी सजा तो देनी पड़ेगी, तभी उसे रियलाइज होगा कि वो गलत कर रहा है। अब देखो पर हाँ, हर बात में फाइट करना या फिर उसको रियलाइज करना कि गलत कर रहे हो ये करना हर वक्त जरूरी नहीं है। कभी कभी हम बातों से भी समझा सकते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इस बात को हम समझा सकते हैं, पर अगर उसको उस बात समझना है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी उसको समझ में आए कि वो गलत कर रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के, तो हम लोग बात कर ले विलन सगा। देखो विलन सगा काफी अच्छा एनिमे है, इसमें बहुत सारी कमाल की बातें हमें सीखने को मिली है, और सबसे जो अच्छी बात है वो है आई हैव नो एनिमीज। इसका मतलब मुझे जो समझ में आता है मेरे ओपिनियन में वो ये है कि तुम्हारे पास कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कोई नफरत नहीं है और तुम्हारे अंदर कोई हेटेड वाला मतलब फीलिंग नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो जिंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत कम जिंदगी है हमारे पास, हम लोग जीते कितने हैं, शायद 80 या फिर 70, हम बहुत कम ईयर जीते हैं। तो ये हेट्रेड, ये नफरत का भाव रख के हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें ज़िंदगी को अगर अच्छी तरीके से जीना है तो ज़िंदगी में हमें नफरत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नफरत एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बेकाबू कर सकती है। नफरत तुम्हें बहुत कुछ बुरा काम करने पर मजबूर कर सकती है, और जब तुम नफरत की वजह से बुरे काम करोगे, जब तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुमने नफरत की वजह से बहुत बुरे बुरे काम किए, तब तुम खुद को कोसोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। पर हाँ जब समझ में आ गया तो समझ लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, और बाद में बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए।